हे गाइस, वन पीस चैप्टर 1108 आ चुका है। वेट अ मिनट, ये चल क्या रहा है यहाँ? विंस्मोक रेजू होर्नी कंफर्म्ड। पहले सांजी एंड अब रेजू। लगता है कि होर्नीनेस इनकी फैमिली में ही रन कर रही है। इतने दिनों बाद कोई धमाकेदार कलर स्प्रेड देखने को मिला। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी लाइक वन पीस या गुड ओल्ड कलर स्प्रेड्स। चलो चैप्टर पर आते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चैप्टर कंटिन्यू होता है पिछले चैप्टर से, जहाँ हमने कैरिबू को रिक्वेस्ट करते हुए देखा था कि वैनोगर और कैटरीना डेमोन उसे ब्लैकबियर्ड पायरेट ज्वाइन करने दे। वैनोगर ट्रू पायरेट होने के नाते अपनी गन उठाता है और कैरिबू पे तानता है। वो ये भी जानता है कि उसके सामने वेट हेयर्ड कैरिबू है। आई रियली लाइक कि वैनोगर अनलाइक ब्लैकबियर्ड किसी को भी हल्के में नहीं लेता, चाहे वो लो हो या सैटन हो और या फिर कैरिबू। वो जानता है कि सारे बंदे मार्शल डी टीच के पीछे है। कैरिबू वैनोगर को बताता है कि उसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि टीच के काम आने वाली है। कैरिबू जानता है कि उसके पास दो एंशिएंट वेपन की इन्फॉर्मेशन है जो कि स्ट्रॉ हैट क्रू के अलावा किसी के पास नहीं है। पोसाइडन जो कि फिशमैन आइलैंड प्रिंसेस शिराहोशी है, और प्लूटोन एक बैटल शिप जो कि वानो में है। कैरिबू वैनोगर और कैटरीना डेवोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों उसे ब्लैकबियर्ड के पास ले जाए ताकि वो टीच को इन्फॉर्मेशन दे सके। अगर ब्लैकबियर्ड के पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन पहुंच गई तो पक्का इन वेपन्स पर अपनी पकड़ बनाना चाहेगा। ये बंदा बोआ हैंकॉक का फ्रूट लेने अमेज़न लिली आ गया था। हो सकता है कि ये वानो भी पहुंच जाए और अपनी पावर से वानो के बॉर्डर ओपन करके प्लूटोन भी हासिल कर ले। और ये भी पॉसिबल है कि ब्लैकबियर्ड शिराहोशी को कैप्चर करने फिशमैन आइलैंड जाए, जहाँ पर किसी कारणवश लूफी भी हो। शिराहोशी को सेव करने के लिए लूफी ब्लैकबियर्ड से फाइट करे और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी लूफी इस प्रोसेस में फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दे। कैरिबू के ब्लैकबियर्ड ज्वाइन करने से बहुत सी पॉसिबिलिटीज ओपन हो गई है, पर क्या ब्लैकबियर्ड कैरिबू की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसे जिंदा छोड़ेगा? उसके फ्रूट के लिए ब्लैकबियर्ड उसे मार भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ और सारे वाइस एडमिरल्स की आइडेंटिटी रिवील कर दी गई है, जो कि पैसिफिस्टा से फाइट कर रहे हैं। बेसिकली वो पैसिफिस्टा से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो पैसिफिस्टास को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे तो उनका ही नुकसान होगा। तभी वाइस एडमिरल डोबरमैन सलाह देता है कि उन्हें बोनी को रास्ते से हटाना चाहिए। उन सबको पैसिफिस्टास की जगह बोनी को हंट करना चाहिए, क्योंकि बोनी के पास ही उन सब की कमांड है, जिससे कि ये क्लियर हो गया है कि बोनी पैसिफिस्ट को ऑर्डर दे सकती है, जिसका मतलब कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है और गवर्नमेंट उसे जल्द से जल्द किल करना चाहेगी। जिसके सिर्फ दो ही मतलब है। फर्स्ट के एगेटार के बाद बोनी की बाउंटी में सिग्निफिकेंट चेंज देखा जाएगा, और दूसरा वो स्ट्रो हैट क्रू को ज्वाइन करने वाली है। इस चैप्टर में वेगापंक भी ये मेंशन करता है कि गवर्नमेंट बोनी का पीछा नहीं छोड़ेगी, और वो लूफी से कहता है कि वो उसका ध्यान रखे। एक एम्परर क्रू से अच्छा कोई भी बोनी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लुक एट रॉबिन डेविल चाइल्ड, जिसके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट कब से पड़ी हुई है, पर लूफी के कारण वो भी सेफ है। हाँ, रेवोल्यूशनरी आर्मी भी बोनी को प्रोटेक्ट कर सकती है, पर बोनी के रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करने के चांसेस बहुत कम है। और तभी हमें पता चलता है कि वाइस एडमिरल टोसा बोनी का गेम बजाने के लिए पहले ही निकल चुका है, और उसने फ्रैंकी और बोनी को ढूंढ भी लिया है। वो उन पर अटैक करता है और वो वही टेक्निक का यूज करता है जिसे हम कई बार सीपी मेंबर्स को यूज करते हुए देख चुके हैं। और जब वाइस एडमिरल टोसा को लगता है कि उसने छोटी बच्ची को मार ही दिया, तभी उसमें ऊपर से एक अटैक पड़ता है जो कि उसे आधा जमीन में घुसेड़ देता है। ये अटैक करता है ब्रोगी, जो कि डोरी के साथ है, जो बताता है कि वो स्ट्रॉ हैट्स को लेने आए हैं, और उन्होंने स्ट्रॉ हैट क्रू के बाउंटी पोस्टर भी चेक किया है ताकि वो उन्हें पहचान पाए। पर तब भी वो फ्रैंकी को नहीं पहचान पाते, क्योंकि फ्रैंकी के बाउंटी पोस्टर पर थाउजेंड सनी की फोटो है। जैंसू ने बताता है कि वो लूफी के शुक्रगुजार है, और वो यहाँ लूफी और लूफी के फ्रेंड्स की हेल्प करने अलबाब से यहाँ आए हैं। तभी बोनी उन्हें बताती है कि लूफी सांजी और वेगापंक अब भी पीछे ही है। डोरी एंड ब्रोगी अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर देता है कि वो बोनी फ्रैंकी और कुमा को सही सलामत यहाँ से निकाल दे, और वो दोनों लूफी की हेल्प करने जा रहे हैं। और तभी बाकी वाइस एडमिरल्स को भी पता चल जाता है कि वाइस एडमिरल टोसा का काम तमाम हो चुका है। वाइस एडमिरल ब्रूग्रास और डोली ये प्लान बनाते हैं कि वो दोनों सी के रास्ते जायंट की शिप पर अटैक करेगी। और तभी हमें जानने मिलता है कि 20 इयर्स पहले डोल का कमांडिंग ऑफिसर सोल था, जिसका मतलब साफ है डोल जितनी यंग दिखती है उतनी है नहीं। ये उस टाइम मरीन में थी जब रोबिन एक छोटी बच्ची थी। इसका मतलब सिर्फ एक है कि डोल इज मिल्फ कंफर्म्ड। वाइस एडमिरल डोल और ब्रूग्रास जायंट की शिप की ओर जा रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जायंट भी फ्रैंकी कुमा और बोनी और एटलस के साथ अपनी शिप की ओर आ रहे होते हैं। और तभी वो बाकी मेंबर्स की लोकेशन पूछते हैं। फ्रैंकी उन्हें बताता है कि वो लैब में है जो कि क्लाउड्स के ऊपर है। और तभी एक जायंट को लगता है कि वो स्काई आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। वेट अ मिनट,
ओडा यहाँ मेंशन करता है कि जायंट्स को स्काई आइलैंड के बारे में पता है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एल्बाफ में ही वर्ल्ड ट्री है जो कि स्काई आइलैंड की ओर ले जाता है और वन पीस वर्ल्ड में एक से ज्यादा स्काई आइलैंड मेंशन किए गए हैं। तो ये पॉसिबल है कि ओडा हमें यहाँ हिंट दे रहा है कि सीरीज में आगे चल के हम और स्काई आइलैंड्स देखें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट पार्ट। सैटर्न एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया है और इस बार इसके हैंड्स गायब हो गए हैं और इसकी आईज भी डेविलिश हो गई है और वो इतना जहरीला हो गया है कि वो किसी को भी एक वार में खत्म कर सकता है। वो लूफी पर अटैक करता है जिसे लूफी आसानी से डॉज कर लेता है। लूफी सांजी को कहता है कि वो वेगापंक को यहाँ से लेके निकले। वो सैटर्न और किजारू का गेम बजा कर आता है। सांजी वेगापंक को लेके वहाँ से निकल ही रहा होता है पर इतने में किजारू उन पर अटैक कर देता है और वेगापंक का डोनट बना देता है। लूफी किजारू और सैटर्न को रोकने के लिए जायंट बन जाता है और एक हाथ से एडमिरल किजारू और दूसरे हाथ से सैटर्न को रोक लेता है। वो किजारू को इतने जोर से पकड़ता है कि उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। इन माय ओपिनियन ये पूरे वन पीस मांगा में सबसे बैडेस्ट पैनल है। यहाँ पर हमें दिखती है एम्परर की बातचीत कि जब लूफी सीरियस हो तो वो क्या कर सकता है। एक तरफ सैटर्न और एक तरफ किजारू। ये वही लूफी है जो कि साबोडी में किजारू से भाग रहा था और अब किजारू को भागने से रोक रहा है। हालांकि लूफी का दोनों से एक साथ फाइट करना इजी नहीं होने वाला पर अभी तो सीन में जायंट्स भी आने वाले है। जायंट्स का रिएक्शन तो देखने लायक होगा जब वो लूफी के इस जायंट फॉर्म को देखेगी। लूफी किजारू और सैटर्न को रोकता है तब तक सांजी वेगापंक को लेके दूर निकल जाता है। उसकी कन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि वेगापंक इज डेड और इस कार्डियक मॉनिटर की लाइन देखने में लगता है कि वेगापंक मर चुका है और उसके बाद हम उसे एक स्क्रीन पर देखते हैं जो कि वन पीस वर्ल्ड का ट्रूथ रिवील करने वाला है। हो सकता है कि वेगापंक असल में मर चुका हो और ये सब उसका प्लान हो कि मरने के बाद उसने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया हो जो कि उसकी कॉन्शियसनेस और या फिर स्टोर की गई हुई मेमोरी को ट्रिगर कर दे। वो पहले भी अपनी कॉन्शियस बाकी सैटेलाइट में डिवाइड कर चुका है और उसने कुमा की मेमोरी पर कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो कुमा की मेमोरी को भी स्टोर करने में सक्सेसफुल रहा था तो ये पॉसिबल है कि उसने अपनी भी मेमोरी को स्टोर कर लिया हो जो कि उसकी डेथ के बाद ट्रिगर हो गई हो और या फिर हो सकता है कि वेगापंक भी मरा ना हो और ये बस उसके आखिरी मोमेंट हो। दोनों ही कंडीशन में वो पूरे वर्ल्ड का पर्दाफाश करने वाला है। हो सकता है कि वेगापंक यहाँ इमू के बारे में मेंशन करे और पूरे वर्ल्ड को ये पता चल जाए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बिक चुकी है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। रेवोल्यूशनरी आर्मी को भी इमू के एग्जिस्टेंस का पता चल गया है तो ये सही टाइम है कि इमू का सच सबको पता चल जाए और या फिर वॉइड सेंचुरी एंशिएंट किंगडम और या फिर डेविल फ्रूट के बारे में बताने वाला है। आई डोंट थिंक कि ओडा हमें सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला है पर ओडा इतनी इन्फॉर्मेशन तो रिवील करेगा जो कि वन पीस वर्ल्ड में आग लगा कर रख देगी। इन्फॉर्मेशन जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए रिवोल्ट खड़ा कर देगी। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। दिस इज मांगा समा। पीस।